नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सी एन चैनल में स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के चेंबूर डायमंड गार्डन में। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं, लेकिन चेंबूर की जनता का क्या है मिजाज? इस बार 2019 में किसे बनाएगी प्रधानमंत्री? देखना यह है कि प्रधानमंत्री की गद्दी में बैठता कौन है। लेकिन हम बात करें दक्षिण मध्य मुंबई की, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं राहुल से वाले शिवसेना पार्टी के, इस वक्त वो सांसद हैं, लेकिन जिसके साथ उनका मुकाबला है वो है कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़। देखना है यह है कि चेंबूर की जनता किसे सांसद चुनती है, किसे लोकसभा भेजती है। तो आइए चेंबूर की जनता से जानते हैं क्या है उनका मिजाज। हमारे साथ चेंबूर के सभी वरिष्ठ नागरिक हैं, इस डायमंड गार्डन में सुबह जॉगिंग के लिए आते हैं अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए। आइए उनसे जानते हैं कि क्या चाहते हैं, इस बार किसे प्रधानमंत्री चुनेंगे। आप बताइए किसे आप प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं इस बार? नरेंद्र मोदी है और वही कैंडिडेट है और वही देश मतलब चला सकते हैं। मुझे भी लग रहा है कि बाकी कोई कैंडिडेट मतलब चला पाते हैं। मेरा एक मतलब ये जजमेंट है, मेरा 72 ईयर्स मेरी एज है, तो मैंने देखा है इतना सालों में कांग्रेस या हर एक पार्टी, कोई भी पार्टी, तो ये नरेंद्र मोदी के मुकाबले अब तक किसी पार्टी ने कोई इतना काम नहीं किया है। इतने दिनों में, 100 दिनों में जो काम किया है इन्होंने 4 साल में, तो नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और इतनी शिवसेना में मतलब बहुत ही अभी एकदम हो गए तो सब और ज्यादा मतलब ये होएगा, इतनी कर दिया तो इन्होंने बहुत बढ़िया है, अच्छी बात। दक्षिण मध्य मुंबई के यहाँ पे जो कैंडिडेट है राहुल शेवाले जी हैं शिवसेना से, एकनाथ गायकवाड़ है, किसे सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट राहुल शेवाले जी, हम तो वही शिवसेना बीजेपी के, हम खास इतनी के ही है हम लोग, और हम उसे ही चाहते हैं, इतनी को चाहते हैं हम, शिवसेना बीजेपी। यहाँ पर शिवसेना को सपोर्ट करेंगे राहुल शेवाली जी को। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताइए आपसे जाना चाहेंगे। हाँ जी, किसे सपोर्ट करेंगे, किसे वोट देंगे आप लोग? राहुल शेवाली जी, स्टार्ट से ही उनको ही करते हैं और उनको ही करेंगे सपोर्ट। और प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं आप? मोदी जी, एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, एक ही मोदी जी। आप बताइए आप क्या करना? हाँ बस मोदी जी। तो हर किसी का यही कहना है कि नरेंद्र मोदी जी वापस इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन जिस तरह चेंबूर की जनता जागरूक है, हर कोई अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए इस चेंबूर के डायमंड गार्डन में आता है। आइए हमारे साथ कुछ और वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है उन्नी नायर। मैं जानना चाहूंगा किसे प्रधानमंत्री आप चुनना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी। किस लिए? उसने बहुत कुछ कर दिया है FIS में, जो प्रीवियस गवर्नमेंट हैज नॉट डन। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि आप चेंबूर के नागरिक हैं, इस दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ पे शिवसेना और बीजेपी के कैंडिडेट राहुल शेवाले जी हैं, कांग्रेस पार्टी के और राष्ट्रवादी पार्टी के कैंडिडेट एकनाथ गायकवाड़ है, किसे आप लोग चुनना पसंद करेंगे? राहुल शेवाले ओनली, बिकॉज एकनाथ गायकवाड़ का धारावी में इन्फ्लुएंस लगता है, इधर तो कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है। चेंबूर के एक ऐसे एक्टिव नागरिक हमारे साथ संतोष जी हैं, उनसे जानते हैं। संतोष जी क्या कहेंगे, इस बार 2019 में किसे प्रधानमंत्री आप लोग चुनेंगे? प्रधानमंत्री तो ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगे, बट बिकॉज बाकी जो अपने इतने सालों से मैं भी वोटिंग किया हूं, बहुत कुछ किया हूं, बट खाली ये किए रहता है कि मैं ये करने वाला है कि मैं के साथ अरे मिली नहीं अभी तक, सब लोग सिर्फ वादे में ही आ जाते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। अभी बीजेपी के ही थे, ऑफकोर्स नरेंद्र मोदी की गलतियां भी बताऊंगा मैं, उनके कोई कैंडिडेट भी हैं, उन्होंने बोला हम गार्डन में ऐसा लगाएंगे, वो लगाएंगे, ये लगाएंगे, बट पूरे 5 साल बीत गए। उनको मैंने यहाँ पे आने के बाद भी उनको मैंने बताया, आपने वादा किया था ये करेंगे, बट बोले नहीं नहीं वो गलती हो गई, मैं आपको स्ट्रीट लाइट के लिए बात किया था, तो बोले कि नहीं मैं वो करके देती हूँ, बट जहाँ तक हमारी इच्छा है वो मोदी ही रहेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट से राहुल शेवाले RPI पार्टी हो, शिवसेना और बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक तरफ एकनाथ गायकवाड़ हैं कांग्रेस पार्टी से, किसे आप लोग पसंद करते हैं? सर, पसंद तो पहले से राहुल शेवाले को करते हैं, पिछले इलेक्शन में भी हम लोगों का पूरा सपोर्ट उनके पास था, वो पहचानते भी, मुझे पर्सनली पहचानते हैं, तो जो भी है राहुल शेवाले ही रहेंगे। जी हाँ, हर किसी का यही कहना है कि इस बार 2019 के इस लोकसभा चुनाव में दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शेवाले को ही चुनाव में जीत कर लाएंगे। हमारे साथ चेंबूर के सभी वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर मौजूद है, मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह यहाँ पर लोग योगा करने के लिए आते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए आते हैं। ये चेंबूर आचार्य गार्डन डायमंड गार्डन के अंदर की तस्वीर है, लेकिन सुबह जिस तरह यहाँ पर सभी लोग अपने घर से निकल कर अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए आते हैं, उन्हीं से जानेंगे। ये चेंबूर के सभी नागरिक हैं, इनसे जानेंगे कि क्या है
इनका मिसाज किसे 2019 में प्रधानमंत्री चुनकर लाएंगे, देखना यह है कि 2019 में प्रधानमंत्री के गद्दी पे बैठता कौन है। आइए हमारे साथ कुछ महिला हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए, आपसे जानना चाहूंगा, 2019 का चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे? नरेंद्र मोदी उन्होंने जो किया, ओनली मोदी, नरेंद्र मोदी। जानना चाहूंगा किस लिए मोदी को चुनेंगे? काम कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, और कोई स्वार्थ के बगैर करे, निस्वार्थ भाव से जो कर रहे हैं उनको तो चुनना ही चाहिए ना। मेरा और एक सवाल है कि इस दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा से राहुल शेवाले कैंडिडेट हैं शिवसेना और बीजेपी के, दूसरा एकनाथ गायकवाड़ है, किसे आप लोग चुनकर देंगे? शेवाले जी को ही चुनेंगे, शेवाले जी को ही चुनेंगे, क्योंकि हमें पता है वो काम करते हैं चेंबूर के लिए। सभी का कहना है कि राहुल शेवाले जी को चुनकर देंगे। आइए हमारे साथ कुछ और महिला है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए आप क्या कहेंगे? हाँ, जो इन लेडीज ने बोला वही मेरा भी है, राहुल शेवाले। सभी का कहना है राहुल शेवाले। आप बताइए आप किसे चुन कर देंगे इस बार? राहुल शेवाले। किसी के दबाव में बोल रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, किसी का दबाव नहीं है, ऐसे ही बोल देते हैं। मोदी जी काम करता है, युति है तो काम कर रहे हैं ना जी। सभी वरिष्ठ नागरिकों का यही कहना है कि इस बार राहुल शेवाले को दक्षिण मध्य मुंबई से विजयी बनाएंगे। आप बताइए आप लोग किसे चुन कर देंगे इस बार? राहुल शेवाले को। आप बताइए आप किसे चुन कर देंगे? मोदी जी। आप बताइए इस बार प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे हमारे, और इस विभाग में राहुल शेवाले को हम मत देंगे, क्योंकि मोदी जी के सिवा कोई नेता नहीं है सक्षम कि जो फॉरेन में भी हमारा इंडिया का मान बढ़ाया और इंडिया में बेसिक सब कर रहे हैं। वो तो टाइम लगता ही है करने में, उनको टाइम देना ही चाहिए, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मोदी को ही प्रधानमंत्री होना चाहिए और हम उनको ही चुन के देंगे। डेफिनेटली चेंबूर के सभी वरिष्ठ नागरिकों ने यह तय कर लिया है कि इस बार 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठाएंगे। इस लोकसभा से यहाँ पे राहुल शेवाले जी को चुन कर लाएंगे। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मोदी हैज डन लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स, और रियली वी विल मोर थिंक ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज मोदी ओनली। मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे लोकसभा में राहुल शेवाले जी हैं, एक तरफ बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में, दूसरी तरफ एकनाथ गायकवाड़ हैं कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी गठबंधन में, किसे चुनेंगे आप लोग? हम लोग राहुल शेवाले हैं, और प्रकाश जी है जो हमारे भाई जैसे हैं, तो लॉट ऑफ चेंबूर इज एक्सलेंट इन मुंबई एंड लॉट ऑफ डेवलपमेंट, हम लोग का इतना एंटरटेनमेंट और सुविधा है, वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। जी हाँ, चेंबूर की अगर हम बात करें तो स्वच्छ और सुंदर चेंबूर, और मुंबई की पूरी अगर शहर की बात करें, पूरे मुंबई में अगर चेंबूर इलाके की बात करें तो चेंबूर सबसे अच्छा शहर माना जाता है, इलाका माना जाता है, और यहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रियाँ तो है ही, लेकिन यहाँ के लोग जिस तरह स्वस्थ और सुंदर रहने की कोशिश करते हैं ये चेंबूर डायमंड गार्डन में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और वरिष्ठ नागरिक है, उनसे जानेंगे। मैं जानना चाहूँगा इस बार 2019 का चुनाव चल रहा है, 2019 के चुनाव में किसे प्रधानमंत्री चुनेंगे आप लोग? नहीं, मेन बात तो जो है टॉप लेवल में तो मोदी जी ने जो बहुत अच्छा काम कर रहा है ये बराबर है, लेकिन अपन हम लोग अभी जो चेंबूर वासी है हम लोग ग्राउंड लेवल को देखेंगे। अब ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें तो राहुल शिवाले जी ने जो हम लोग के लिए जो किया है, जो माई बिलोंगिंग टू द होटल इंडस्ट्री, हम लोग का तो बहुत बड़ा समस्या था फायर का, जो कमला मिल में जो आग लगा है वो टाइम में राहुल शेवाले और ये लोगों ने जो हम लोग को जो एक साइड में जो सपोर्ट दिया है होटल इंडस्ट्री को, और अभी जो TRC जो कचरे का जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, डंपिंग ग्राउंड जो भर गया है, वो टाइम में भी जो BMC ने जवाब दे दिया कि भाई हमारे पास अभी हम कचरा को टू डीमोनेटाइजेशन करो करके हम लोग को ऑर्डर गया, लेकिन अभी थोड़ी सी जगह भी हो नहीं सकता है। इसके लिए राहुल शिवाले जी ने हम लोग की पूरी टीम के साथ में बहुत बार हम लोग के साथ में आके ये प्रॉब्लम को 3 महीने के लिए एक्सटेंडेड किया है, तो हमारी होटल इंडस्ट्री उनको कितना भी धन्यवाद देवे, कितना भी उनका तारीफ करे तो कम है। इसके लिए हम लोग ने जो होटल इंडस्ट्री वाले ने कल इधर बंटर भवन में उनको बहुत बड़ा फैलिसिटेट रखा है, मैं इनको पत्र पेकार को भी बताया है, और इधर का कोई भी लोग है ये आ सकता है जो हमारा इंडस्ट्री के लिए उसने जो किया है हमारा फर्ज बनता है, उनको कुछ हम अभी दे, ये हमारी ये इच्छा है। इसके लिए हम लोग ने कल उधर फेलिसिटेट उनको रखा है, तो ये एरिया में तो 101% तो राहुल शिवाले जी आने वाला है।
जी हाँ, देख सकते हैं चेंबूर के ऐसे बिजनेसमैन हैं जो होटल इंडस्ट्री से संबंधित है, लेकिन उनका भी साफ साफ कहना है कि राहुल सेवाले जनता के बीच होते हैं, हमारी जो समस्या है उसे जानने की कोशिश करते हैं, इसलिए लोग राहुल सेवाले को वापस इस 2019 के लोकसभा चुनाव में अच्छे भारी मतों से चुनकर लाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जी। किस लिए नरेंद्र मोदी जी को चाहते हैं? वो देश का बहुत कुछ काम किया है इसके लिए। चेंबूर की नागरिक है, इस बार 2019 में प्रधानमंत्री की गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी को वापस बैठाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ही वोट देंगे। और इस लोकसभा से अगर हम बात करें दक्षिण मध्य मुंबई से, तो राहुल सेवाले जी को ही जनता चुनकर लाएगी। हमारे साथ चेंबूर के विधायक प्रकाश फातेपेकर हैं, उनसे जानते हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा, आप भी इस गार्डन में आते हैं, काफी लोग इस गार्डन में स्वस्थ और सुंदर बनने के लिए आते हैं, इस गार्डन के लिए आप किस तरह मुहिम चला रहे हैं, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए किस तरह की मुहिम चला रहे हैं? नहीं, कसं हा आपला हे सगळे जे सकाळचे आहेत हे सीनियर सिटिझन्स आहेत आणि इतर पण लोक येत आहेत। हा सुंदर जे आम्ही गार्डन केलं आहे, आपल्या फंडातनं पुष्कळ काही गोष्टी झालेल्या आहेत आणि या इथे सगळ्यांचं म्हणणं एकच आहे की आपल्याला आरोग्यासाठी सकाळी एक्सरसाइज करायला येत आहेत, त्यासाठी सुंदर इथे गार्डन झालं पाहिजे ही त्यांची इच्छा आहे। आणि भरपूर गोष्टी एक्सरसाइजसाठी त्यांना जिमसाठी सगळ्या साहित्य दिले आहेत, इक्विपमेंट्स दिले आहेत, त्यांचा तो उपयोग करता आहेत। या इथे मी गजीबो म्हणला आहे, तिथे त्यांचं योगा चालू आहे, इतर काही गोष्टी पुष्कळ चेअर्स दिले आहेत, सगळं काही करतो आहे आपण आणि त्याचा तो सिनियर सिटीजन उपयोग घेत आहेत। मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से भी जनता ने इस बार अपना चेंबूर की जितने नागरिक है सभी ने कह दिया है कि इस बार 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही पीएम बनाएंगे, लेकिन क्या इस लोकसभा से जिस तरह राहुल सेवाले यहाँ पे कैंडिडेट हैं गठबंधन के, क्या उनके लिए किस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरह एक्टिव हैं? कल से शुरुआत हम लोग प्रचार मुहिम कल से चालू हो गया और सब जगह से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और इस बार तो राहुल सेवाले 101% है ही, क्योंकि मोदी साहब ऊपर है, उनको जिताना है और ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में जो 48 सीट्स है उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग युति के जो है वो आने वाली है जितने आए हो। जी, प्रकाश फातेपेकर जी ने कह दिया है कि इस दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा से राहुल सेवाले जी को चुनकर लाने के लिए पूरी प्रयत्न कर रहे हैं, यहाँ पे नागरिकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह राहुल सेवाले जी को वापस चुनकर लाएं, लेकिन देखना यह है कि किस तरह जनता राहुल सेवाले जी को भारी बहुमत से चुनकर लाएगी। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं चेंबूर के सभी नागरिकों ने CNU चैनल के माध्यम से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापस प्रधानमंत्री के कद्दी पर बैठाएंगे और इस लोकसभा से सांसद राहुल सेवाले जी को वापस चुनकर लाएंगे। राहुल सेवाले जी हमारे सांसद यहाँ रह चुके हैं और उनका काम इतना सुंदर है कि सभी लोग उसको जी जान से प्यार करते हैं उनको, और अब की बार इस चुनाव में वो पहले से भी दूने मत से चुन करके आएंगे, इसमें कोई नहीं, क्योंकि और दूसरे मोदी के साथ में जो विकास हो रहा है ये सीनियर सिटीजन यहाँ पे ज़्यादा लोग आप नज़र आ रहे हैं और ये हमेशा हर महीने दो महीने में यात्रा करते हैं। आज मैं खुद पिछले 1.5-2 साल में कम से कम 15 स्टेट घूम चुका हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम पूरे इस देश में चालू हो, जो विकास हो रहा है, ये विकास कभी हुआ नहीं था जो आज नज़र आ रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि वही सत्ता कायम रहे जो इस देश को विकास में योगदान कर रही है, और हम फिर से भगवान से प्रार्थना करते हैं ये सत्ता बहुमत से जीत के आए और दिल खोल के काम करें। जी हाँ, यहाँ भगवान से भी कामना करेंगे कि वापस ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस चेंबूर के नागरिक हैं, किसे चाहते हैं चुन के? राहुल सेवाले मोदी जी। जी हाँ, हर किसी का कहना है कि यहाँ पे लोकसभा में राहुल सेवाले जी को चुनकर लाएंगे, अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी को चुनकर लाएंगे। मी सुभाष नगर मधून आहे, तर राहुल सेवाळेंचं काम बरंच चांगलं आहे। त्यांनी ट्रॉम्बेचा जो रोड आहे त्याचं पण काम चांगलं केलं आहे आणि बऱ्याच ठिकाणी त्यांचं डेव्हलपिंग चांगलं आहे, परंतु सुभाष नगरमध्ये आज लोक बेघर झालेले आहेत, तर बेघर झालेल्या लोकांना त्यांनी सांभाळावं। आज सुभाष नगरची जी वाट लागलेली आहे ती त्यांनी लाईनीवर आणावी, कारण आज लोक 11-12-13 वर्ष झाली बाहेर भटकत आहेत, त्यांना वेळेवर भाडं मिळत नाही आहे बिल्डरकडून, बिल्डरने आम्हाला फसवलं आहे पूर्ण, तर ह्याचा त्यांनी समाचार घ्यावा। आणि नरेंद्र मोदी तर एवढे बेस्ट आहेत, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मोदी का नाम रहेगा।
जिस तरह पूरे भारत देश में 2019 की चुनावी विगुल बज चुकी है और हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के चेंबूर डायमंड गार्डन में। हमारे साथ चेंबूर के सभी रहवासी यहां पर मौजूद हैं, हर रोज सुबह यहां पर स्वस्थ होने के लिए योगा करने के लिए आते हैं। हम इनसे जानेंगे क्या है इस बार 2019 में किसे प्रधानमंत्री चुनेंगे, इस दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा से किसे सांसद के रूप में चुनकर लाएंगे। आइए, हमारे साथ कुछ महिला है इस विभाग की चेंबूर की, आइए उनसे जानते हैं। मैं सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या? अरुणा पंचाल, मेरा नाम अरुणा पंचाल है। और आपको पता है इस बार 2019 की चुनावी विगुल बज चुकी है, सभी पार्टी कैंडिडेट चुनाव प्रचार में लगे हैं। हाँ, लगे हैं, बहुत लगे हैं, घर पे भी आए, भाजप लोग भी बहुत बुक्स लेके आके ये बनाया चेंबूर, लेकिन हमारा ये शहर के लिए तो बहुत है। मैं जानना चाहूंगा कि इस बार प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे आप? हम मोदी को चुनेंगे, मोदी। और इस लोकसभा से अगर बात करें तो राहुल शिवाले कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना आरपीआई गठबंधन से, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के एकनाथ गायकवाड है, किसे चुन कर देंगे आप लोग? हम मोदी ही चुनेंगे ना, फिर मोदी भाजपा को, भाजप। आप बताइए आप क्या करना चाहिए? भाजपा। राहुल शिवाले यहाँ पे युवती कैंडिडेट है, पता है आपको? हाँ पता है, पर उसको नहीं, मोस्टली भाजपा, भाजपा के साथ ही जाना चाहेंगे। भाजपा, राहुल शिवाले जी, राहुल शिवाले को चुन कर देंगे, भाजपा को चुन कर देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस चुन कर लाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा आप किसे इस बार वोट देंगे, क्या चाहते हैं, किसे आप प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? मोदी, मोदी जी, सेना को चुन के देंगे। आप बताइए, मोदी तो आपको पता है यहाँ पे कौन कैंडिडेट है लोकसभा के लिए, कौन चुनाव लड़ रहे हैं, पता है आपको? पता है राहुल शिवाले किसे चुन कर देंगे इस बार 2019? मोदी को ही जी। जिस तरह चेंबूर के नागरिकों का मिसाज अगर देखा जाए तो सभी का कहना है कि इस बार 2019 में प्रधानमंत्री के गद्दी पर नरेंद्र मोदी जी को बैठाएंगे। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप योगा टीचर हैं, आप सभी को यहाँ पर सुबह योगा सिखाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार 2019 में किधर प्रधानमंत्री चुनेंगे? यानी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी है जो वो दमन है और बहुत अच्छा काम करते हैं, और उनका मुकाबला मेरे हिसाब से हमारे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता है, और उनके जैसा कोई नेता नहीं है। दमन, 36 का छीना कोई बोलते हैं, मगर उनका 36 से भी 56 का छीना है उनका, जो वो करके दिखाते हैं, और अपने देश के लिए वो सब कुछ जान लुटाते हैं। अपने घर में नहीं रहते, उनके घर देखिए और परिवार देखिए, और लोगों का दूसरे का परिवार और घर देखिए कि कितना फर्क है। वो हमें पब्लिक को देखना है कि कौन अच्छा इंसान है और कौन हमारे देश को आगे लेके जा सकता है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन के जो राहुल शिवाले हैं वो यहाँ पे उम्मीदवार खड़े हैं चुनाव के लिए, पहले भी वो सांसद हैं, अभी भी सांसद हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो एकनाथ गायकवाड़ कांग्रेस पार्टी से, किसे आप लोग चुनकर देने की कोशिश? हम शिवाले जी को सुनना चाहते हैं, वो हमारे पास आते भी है और यहाँ हम लोगों का ध्यान देते हैं, और हर इंसान छोटे बड़े लोगों से मिलते हैं, और हमारे प्रकाश भाई फातेकर की जो इनकी तारीफ करूं इतना कम है, हमेशा आते हैं और बात करते हैं कि क्या तकलीफ है, यही पूछते हैं कि क्या करना है मुझे इस वार्ड में और क्या करना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि इनका बहुत धन्यवाद है, और शिवसेना और बीजेपी दोनों मिलके इस देश को बहुत आगे लेके जाएंगे, और हम चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री अगर मोदी आ गया तो हमारा देश बहुत आगे जाएगा। अगर 10-15 साल ये रह गए, हमारा देश का नक्शा बदल जाएगा, इतना बढ़िया है सर। हर किसी का कहना है कि 10-15 साल नरेंद्र मोदी जी वापस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे तो भारत का पूरा नक्शा बदल जाएगा। हमारे साथ एक ऐसे सर हैं जो ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं, सभी को ड्राइविंग लाइसेंस बनवा कर देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा किसे इस बार प्रधानमंत्री बना के देंगे? नरेंद्र मोदी जी को, 10 साल के लिए और काम करके देना पड़ेगा सबको। इस लोकसभा से आपको पता है कौन कैंडिडेट है? राहुल शिवाले, यंग राहुल शिवाले। किसे चुनकर देने की कोशिश करेंगे? राहुल शिवाले को, शिवसेना का कैंडिडेट को चुन के देंगे। जी हाँ, हर किसी का यही कहना है कि दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शिवाले को चुनकर देंगे। आप वरिष्ठ नागरिक हैं चेंबूर के, क्या कहना चाहेंगे, आप किसे चुनकर देंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा में किसे चुनकर देंगे? 100% राहुल शिवाले को देंगे, भाजपा। क्यों देंगे आप भाजपा को, राहुल शिवाले को? जो मोदी जी ने काम किया पिछले 5 साल से, हम चाहते हैं और 5 साल आगे करे वो। जी हाँ, हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी वापस 5 साल इस देश के प्रधानमंत्री बने। हमारे साथ चेंबूर के प्रकाश फातेपेकर जी हैं, आइए उनसे जानते हैं, यहाँ के विधायक हैं। प्रकाश जी, जिस तरह चेंबूर की जनता ने अपनी राय जताई है, क्या कहना चाहेंगे सभी को? नहीं, उनका तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि राहुल शिवाले और मोदी जी का नाम वो लोग ले रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने इतना काम किया है और इतना, जैसे बोले कि आज भारत का नाम आज जग में प्रसिद्ध किया है, नाम रोशन किया है, तो इसके लिए उनको इस बार भी चुन के देना है। और इसके लिए
यहाँ के जो सांसद है अभी के राहुल शेवाळे जी, उनको बहुमत से जिता के देना है। जी हाँ, जिस तरह सुबह के 8 बजे लोग यहाँ पर मौजूद है अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, सभी चेंबूर के नागरिकों का साफ साफ कहना है कि इस बार 2019 में राहुल शेवाळे जी को यहाँ से चुन कर लाएंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनाएंगे। कैमरामैन पवन दवी के साथ राज पांडे, CN News मुंबई।